यहां पर शुरू फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, मैं तुम्हें ये आपके पास ऑब्जेक्ट देता हूं और मैं बोलता हूं कि इसको मैंने रोटेट करवाना है, रोटेट करवा लो। मैं आपको ये पेन देता हूं और मैं बोलता हूं इसकी रोटेशन करवानी है, इसको रोटेट करवाना है। मैं आपको यहां पर इस मार्कर को होल्ड करने वाला केस देता हूं, इसको रोटेट करवाना है। क्या तीनों के रोटेशन के लिए आपका एफर्ट सेम था कि डिफरेंट था? आंसर है डिफरेंट था। एक पानी की भरी हुई बाल्टी को अगर आप रोटेट करवाना चाहते हैं और एक छोटी सी पानी की बोतल को आप रोटेट करवाना चाहते हैं, क्या दोनों केसेस के अंदर जो रोटेशन आपके पास, जो एफर्ट आपका लगता है, वो सेम होता है कि डिफरेंट होता है? तो आंसर है डिफरेंट। डिफरेंट। ये जो एफर्ट है इन ऑर्डर टू रोटेट अ बॉडी और स्टॉप द रोटेशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टू बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर जाती है। जैसे पिछली बार भी शायद से मैंने आपसे बात की थी कि एक मास को एक रस्सी से लटका कर ऐसे गोल घुमा दिया जाए और आपका एफर्ट वहां पर ज्यादा है कि कम है हमारे पास, देखो हर चीज रोटेट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चश्मे की डंडियों को खोलते हो या बंद करते हो, वहां पर भी हमारे पास क्या होती है बच्चे, आपके पास किसी ना किसी तरीके से रोटेशन होती है। मेरे पास यहाँ पर ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं ओपन करना चाहता हूँ ऐसे करके, तो इसकी एक रोटेशन हो रही है। तो जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ वो एफर्ट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करता है कि कितनी जल्दी वो ओपन करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज्यादा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने से बॉडी देर से रोटेट होना स्टार्ट करती है और देर से ही रुकती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से क्या होता है, बॉडी जल्दी रोटेट करती है लेकिन रुक भी जल्दी जाती है। तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो कि किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, उन सबका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर दिया जाता है कि यार ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका डेवलप हो चुका है और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मुझे पता लग जाता है अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, अरे बॉडी बड़ी जल्दी रोटेट होगी। लेकिन खुश होने की बात नहीं है, वो रुक भी बड़ी जल्दी जाएगी। अगर आपने फोर्स लगानी बंद कर दी, टॉर्क लगाना बंद कर दिया, रुक भी बड़ी जल्दी जाएगी। दूसरा, अगर मेरे पास बॉडी जो है वो बड़ी देर से रोटेट, सर बड़ी देर से रोटेट हो रही, लेकिन जब वो देर से रोटेट होनी स्टार्ट हो जाती है तो वो रुकती भी बड़ी लेट है बच्चे। जैसे हम किसी मेले में जाते हैं तो हम किसी झूले में बैठते हैं तो झूला गोल घूमना शुरू हो जाता है और वो मतलब कि आपका जो साइड में जनरेटर लगा होता है या साइड में कोई मशीन लगी होती है वो हमें रोटेट कराते हैं, तो आपको लगता है अरे झूला बड़ी धीरे धीरे रोटेट हो रहा है, वो एकदम से स्पीड पिकअप कर देता है और फिर आप बोलते हो कि नहीं यार बड़ी तेजी से गोल घूमना स्टार्ट हो गया, और जैसे वो इंजन ऑफ कर देता है क्या आपका झूला एकदम से रुकता है कि धीरे धीरे करके रुकता है बच्चे? धीरे धीरे करके रुकता है और काफी देर तक इंजन ऑफ होता है लेकिन फिर भी आप रोटेट कर रहे होते हो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास हर जगह पे है जहां पर रोटेशन। आज हम क्या करेंगे, आज हम यहां पर करेंगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, the moment of the inertia due to the of some common bodies। अब ये मुझे याद हो जानी चाहिए of common bodies, no derivation required, common bodies, no derivation is required। यहां पर आपको किसी किस्म की कोई derivation की जरूरत नहीं है, ये इसको डिराइव करना आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, आपको एज इट इज इसके बारे में पता होना चाहिए, आपको कोई डिराइव करने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट, बिल्कुल फिट एंड फाइन, समझ में आ जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम कॉमन बॉडीज के अंदर सबसे पहले मेरे पास आ जाता है रॉड, ये मेरे पास रॉड है और इस रॉड का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में,
इसकी लेंथ मेरे पास एल के बराबर है, मास मेरे पास एम के जी है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा पता है बच्चे आपको? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास इस एक्सिस के अबाउट आपके लिए हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई टू। ये जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास में से गुजर रही है, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। मतलब कि अब ये याद होना चाहिए और इसके अंदर से कोई एक्सक्यूज भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा ये बोलेगा कि नहीं यार सर मुझे याद नहीं हो पाया, मेरे साथ बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि मैं याद तो कर लिया था लेकिन एग्जाम में मैं भूल गया। तो ये नहीं करना है और बड़े आराम से ये बड़े अदब से बच्चा हमारे पास इस क्वेश्चन को हम याद कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टीचर ये भी पूछ सकता है कि भाई आप ये बताएं इस एक्सिस के ऊपर अगर इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितने के बराबर? रेडियस ऑफ द गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन किसके बराबर? मैं आपको बताता हूँ रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते कैसे। तो के अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वेयर बाई ट्वेल्व और मास ऑफ द रॉड एम आ गया, एम से आपके पास एम कैंसिल, तो के इज इक्वल टू एल स्क्वेयर। तो एल स्क्वेयर का एल रूट से बाहर, ट्वेल्व थ्री इंटू फोर, फोर का रूट टू वो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा रूट ऑफ थ्री, ये आंसर आ जाएगा। तो सॉरी ये चीजें हम ये चीजें जैसे आप बोलो कि आपने पिछली क्लास नहीं लगाई थी, इन चीजों के अंदर मुझे नहीं लगता बच्चे कि हम किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है किसी कोई ब्लंडर कर जाएंगे। ये बड़ा आसान है, सिर्फ पॉइंट ये कि हमें ये चीजें जब हम करने बैठते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस गिरवा दिया जाता है जब हम ये करने, अरे ये बहुत मुश्किल चैप्टर है, अरे ये चैप्टर तो भाई मतलब कि इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे, तो ये हमारा कॉन्फिडेंस लोग गिरा देते हैं। आपको कॉन्फिडेंस गिराना नहीं, सिर्फ सिंपल चीजों को तो देखना। जैसे रिंग, अगर मेरे पास यहाँ पर रिंग आ जाती है, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाती है बच्चे, रिंग आ जाए, बोलिए वो ऊपर वाले केस में जो आपने m l square by 12 है वो आपने मतलब क्वेश्चन में गिवन है सर हमें? ये बच्चे आपके पास क्वेश्चन नहीं है, ये डेटा है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है डेटा। मैंने क्या लिखा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉमन बॉडीज, और जो रिजल्ट हम लिख रहे हैं इसकी डेरिवेशन तो एग्जिस्ट करती है पर हम उसको डिराइव नहीं कर रहे। यानी कि अगर आप किसी रॉड को, किसी भी रॉड को यहाँ पर, ये मेरे पास एक रॉड है, इसको यहाँ पे रख के रोटेट करवाते हो, ऐसे करके रोटेट करवाते हो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एम एल स्क्वायर बाई टू। एफर्ट, आपको कितना एफर्ट करना पड़ेगा इसको रोटेट करवाने के लिए इस एक्सिस के ऊपर, ठीक है? तो ये आपके पास एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। और ये कंपेरिजन आ जाता है कि रॉड का यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे याद होना चाहिए क्योंकि टीचर ये पूछेगा मुझे कि रॉड के सेंटर ऑफ मास में से अगर कोई एक्सिस पास होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व, या रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, तो वो हमारे को एल डिवाइडेड बाय टू रूट ऑफ थ्री आ जाएगा। तो ये गिवन है बच्चे हमारे पास, ये कोई वो नहीं है बच्चे हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है ये। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई, एक रिंग आ गई, तो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक रिंग आ जाती है। ये रिंग का मास सारा का सारा सर्कमफ्रेंस के ऊपर होता है और बीच में से रिंग खाली होती है और यहां से अब आपको देखो थोड़ा सा आइडिया लगने लग जाएगा। ये एक्सेस ऑफ आपके पास क्या रोटेशन, रिंग के बीच में से इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन है। अब एक्सेस ऑफ रोटेशन कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलूं हमारी अर्थ की क्या कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, हमारी जो अर्थ है क्या उसकी कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसको आप प्योर हिंदी में धुरी बोलते हो, कि हमारी जो अर्थ है क्या हमारी अर्थ स्टेशनरी है कि रोटेट हो रही है, पहले तो ये बताएं। रोटेट हो रही है, तो क्या उसकी कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है? Yes, yes, और वो कहां से कहां पर पास होती है?
नॉर्थ टू साउथ पोल. एग्जैक्टली, हम भी यही काम कर रहे हैं. हम हर बॉडी के अंदर से एक इमेजिनरी, या बच्चा हमारे पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन को आप क्या कर रहे हो, पास करवा रहे. और यहाँ पर हम एक कॉमन चीज क्या कर रहे हैं कि ये सारी एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर ऑफ मास में से पास होगी. और ये हमारे पास एक रिंग आ गई, और ये रिंग हमारे पास जैसे मैंने यहाँ पर लगाई तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा. इस ऐसा नहीं है कि इसके फॉर्मूले जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका डेरिवेशन एग्जिस्ट नहीं करती. करती है भाई, लेकिन क्यों परेशान होना जब टीचर आपको पूछेगा ही. और सीबीएसई बोलती है कि भैया आप इसको, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आप छुड़वा दीजिए, बच्चा याद भी कर सकता है. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ द रिंग किसके बराबर आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी एम आर स्क्वायर. और अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना हो तो कैसे करोगे, के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम. तो एम आर स्क्वायर अपॉन मेरे पास एम, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर. टीचर ने यही चीजें पूछनी है और इन्हीं चीजों के ऊपर आपको क्वेश्चन भी बन के आने. चलिए अब बात करते हैं हम डिस्क की. अब हम बात करते हैं डिस्क की, और अब आपके माइंड के अंदर चीजें ओपन होना स्टार्ट हो जानी चाहिए. ये मेरे पास यहाँ पर एक डिस्क है. अब डिस्क और रिंग के अंदर फर्क पता है आपको क्या होता है, डिस्क और रिंग के अंदर क्या फर्क होता है, किसी बच्चे को पता है. डिस्क हमारे पास यहाँ पर जो होती है उसमें मास हर जगह पे, और रिंग के अंदर मास सिर्फ सर्कमफेरेंस के ऊपर है. तो ये मेरे पास ये सेंटर ऑफ मास में से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है, ये डिस्क इसके अबाउट रोटेट हो रही है. अब ऐसी चीजें हमारे पास बहुत सारी हो सकती है, डिस्क जैसी चीजें, मम्मी की रोटी गोल गोल, ठीक है, जो एक रुपया होता है वो भी गोल गोल. तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे पास एक डिस्क है, और इस डिस्क को अगर सेंटर ऑफ मास में से कोई एक्सिस को पास किया जाए तो हमारे पास ये आई आ जाएगा. और आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो किसके बराबर है, इसका एम आर स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ गायरेशन. तो ये आ जाएगा के इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू आई, और यहाँ पर m. अब बताओ कितना आ जाएगा, r बाई रूट. अच्छा एक चीज, अब आपको चीजें क्लियर हुई. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय टू है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा है, डिस्क का कि रिंग का? रिंग का. रिंग का. इसका मतलब किसको जल्दी रोटेट करना इजी होगा, डिस्क को कि रिंग को? रिंग को कि डिस्क को? इजी इजी. विच विल इजी, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, बहुत बड़ा इनर्शिया. मतलब कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ये मेरे पास एक बॉडी है और ये बच्चा हमारे पास एक दूसरी बॉडी है, किसका इनर्शिया किसका ज्यादा है? इनर्शिया इसका बड़ी वाली का. और अगर मैं इन दोनों पे सेम फोर्स लगाता हूं, कौन सबसे पहले रोटेट, कौन पे सबसे पहले चलेगा, ये या ये? छोटा वाला, क्योंकि इसका इनर्शिया छोटा है. किसको रोक भी किसको जल्दी सकता हूं, इसको, क्योंकि इनर्शिया छोटा है. अब जवाब दीजिए कि हमारे पास रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा है एम आर स्क्वायर, और बच्चा हमारे पास डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय टू. किसको रोटेट करना इजी होगा, डिस्क को कि डिस्क? डिस्क. और कौन सी बॉडी रुक भी जल्दी जाएगी? डिस्क. और इसी वजह से बच्चे जो हमारे पास हमारी साइकिल का टायर होता है हम उसको डिस्क नहीं बना सकते. और ये बात देखिए, जो स्कूटी का टायर, आज आप ऑब्जर्व करना, जो स्कूटी के टायर्स होते हैं उनको वो अप्रोक्सीमेटली डिस्क बनाते हैं. आप ऑब्जर्व करना, जो स्कूटी के टायर होते हैं उसमें आप दूर से देखिएगा कि वो डिस्क की तरह नजर आता है बच्चे. और जो हमारे पास मोटरसाइकिल्स हैं या फिर जो अलॉय व्हील वाले स्कूटी के टायर्स होते हैं वो डिस्क नजर नहीं आती, वो अप्रोक्सीमेटली क्या बच्चे, रिंग. और इसी वजह से जो अलॉय व्हील वाली हमारे पास स्कूटी होती है वो थोड़ा सा टाइम लेती है स्पीड को गेन करने के लिए, लेकिन जब भागती है तो बहुत तेज भागती है और उसको रोकने में भी टाइम लगता है.
स्पीड देने में भी टाइम लगता है और रोकने में भी टाइम लगता है। लेकिन जो स्कूटी होती है, पुरानी स्कूटी जो होंडा की आती थी ना, एक्टिवा की, मतलब कि दूर से वो स्टील ऐसा लगता था, स्टील की प्लेट लगा दी है उसके टायर के अंदर। अगर आप देखें आज अपने आसपास देखिए बच्चे, मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या कहना। और वो स्कूटी फिसलती भी बहुत, आपने देखा कभी वो स्कूटी एकदम ब्रेक लगा फिसल गई? काइनेटिक सर। हाँ भाई साहब, क्योंकि वो डिस्क होती है ना, वो डिस्क है, आप रेस दे दी वो एकदम भागती थी, रेस बंद कर दी वो रुक भी जाती थी। यार बंदा बोलता था यार अजीब है स्कूटी, तो रेस लगातार दे के रखो और फिर वो डिस्क है अप्रोक्सीमेटली, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता था, वो तेज भागती थी और जल्दी रुक भी जाती थी। और फिर तभी तो अलॉय, लोग अलॉय व्हील क्यों डलवाते हैं? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी गाड़ी उठा लो तो उसके टायर, जैसे आप मारुति की जो शोरूम से मिलती है ना मारुति, उसके टायर देखो, वो टायर क्या होते हैं बच्चे? वो डिस्क होते हैं कि बच्चे आपके पास रिंग होती है, वो डिस्क होते हैं, वो अप्रोक्स। तो फिर अलॉय व्हील क्यों डलवाते हैं? वो इसलिए डलवाते हैं ताकि गाड़ी जो है वो, मतलब कि अगर हम रेस ना भी दे दो फटाफट जो है ना बच्चे आपके पास, आप थोड़ा सा टाइम लगता है वो गाड़ी को रेस लेने में, लेकिन एक बार वो रेस ले ले बच्चे तो फिर उसको रोकने में भी फिर टाइम लगता है। ये कहानी ठीक है, श्योर है, समझ में आई बात कुछ? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कहानी है कि हम क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ते हैं और क्यों नहीं पढ़ते। नेक्स्ट वन। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं बहुत सारी रिंग्स को एक के ऊपर एक रख दूं तो मेरे पास क्या बन जाता है? अगर मैं बहुत सारी रिंग्स को एक के ऊपर एक रख दूं, सिलेंडर, सिलेंडर। और इसी तरीके से मेरे पास यहां पर एक हॉलो सिलेंडर है, ये मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर है, यह हमारे पास यहाँ पर एक हॉलो सिलेंडर आ गया, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये मेरे पास यहाँ पर हॉलो सिलेंडर है, और ये जो मेरे पास यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये इसके सेंटर ऑफ मास में से क्या कर रही है? पास हो रही है। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास हो रही है और ये हॉलो सिलेंडर है, और ये मेरे पास बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, एंड दिस इज द केस ऑफ द हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर हैविंग द रेडियस ऑफ आर, इसकी रेडियस मेरे पास आर के बराबर, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास। मुझे बताना है कि अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम एज दैट ऑफ रिंग। और इसका हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मास एम के जी का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू, हमारे पास यहां पर कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू किसके बराबर है, एम आर स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ गया, एम आर स्क्वायर। बोलो सर, ये रिंग से बना है ना सर? हाँ रिंग से बना है, मतलब कि एक रिंग है। अगर अगर सब रिंग को इकट्ठे कर दो तो फिर उसका, अगर उसका मोमेंट 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 ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। बेटा आप देखो, पॉइंट तो तेरा, मैं तेरे इस बात को बिल्कुल समझता हूँ कि तेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आया कि शुड बी डिफरेंट, लेकिन पॉइंट ये है सीबीएसई हमको ये बोलती है कि आपने सिर्फ रिजल्ट बताना। मेरे लिए तो बच्चे फिर इसकी डेरिवेशन ही है, जिसके अंदर से मैं तुम्हें बोलूंगा कि देखिए हम इसको डिराइव करके इस रिजल्ट के नतीजे तक पहुंचेंगे कि सेम। पॉइंट ये है बच्चे कि कोई पर्सन ये बोल देता है कि सूरज ठंडा है सर, आप क्यों बोलते हो कि वो गर्म है? तो मैं बोलता हूँ कि यार देखिए, लोगों ने बताया, हमने ऑब्जर्व किया, बाहर जो चीजें हम उठाते हैं वो गर्म हो जाती है, तो फिर तरीका ये कि आप थोड़ी देर तक सूरज की गर्मी सहन करो, आपको अपने आप पता लग जाएगा। लेकिन पॉइंट ये बच्चे, ये पूरे रिजल्ट्स जो बनाए जाते हैं ये बिल्कुल एक डेरिवेशन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, और हमारे काफी नॉलेजेबल साइंटिस्ट लोगों ने इनको डिराइव किया हुआ। तुम भी डिराइव कर सकते हो, ऐसा मना नहीं किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, फ्यूचुअल एक्सरसाइज है। आप उसको डिराइव कर दोगे, स्कूल वाला पूछेगा नहीं, यू विल बी डिप्रेस्ड कि यार मैंने इतनी मेहनत की। वो मेहनत बच्चे हमारे पास ऐसे होगी कि आपने बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की। मुद्दे की बात यह है कि टीचर ने बोलना है कि ये हॉलो सिलेंडर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे क्या होगा, कौन सी एक्सिस, जो कि लेंथ के अलोंग है और सेंटर ऑफ मास में से पास हो। बस क्योंकि अगर एक रिंग है, दो रिंग है, तीन रिंग है, ये सारी रिंग्स का mr square ये आपस में ऐड होकर आपके पास क्या दे देगा, mr square ही दे देगा।
ये तो तरीका हुआ कॉमन सेंस वाला, और दूसरा तरीका डेरिवेशन वाला जो हमने करना ही नहीं, जो हमने करना ही नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा रिजल्ट आएगा, आप डिराइव करके देख सकते हो, आप बच्चे इसको देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि हम उसको प्रूफ नहीं करेंगे, हमें प्रूफ करना अलाउड नहीं है, नहीं अलाउड श्योर है। अगर हम उसके पीछे भागेंगे, मैं मतलब कि आपको कन्विंस तो कर रहा हूँ, और वो टाइम उसमें चला जाएगा आपको कन्विंस करने में कि भाई नहीं करना, भाई नहीं करना इसके अंदर से नहीं। अब जैसे कोई पर्सन बोलता है कि वहां नहीं जाना, बोला बोलता है कि नहीं मैं तो जाऊंगा, बोले नहीं जाना भाई वहां पर। जब आप जाते हो आपको पता लगता है यार वहां पर तो सच में कुछ नहीं था वहां पर जाने का फायदा, फिर आके बोलते हैं हाँ यार तू सही कह रहा था वहां पर जाने का कोई फायदा हुआ नहीं। पॉइंट ये बच्चे, ठीक है, इसको याद करना बच्चे, इसको याद करना बच्चे। अच्छा, इसी तरीके से अगर बहुत सारी डिस्क जो होंगी, अगर वो हमारे पास डिस्क एक के ऊपर एक लग जाएंगी, तो कौन सा बच्चा हमारे पास यहाँ पर तैयार हो जाएगा? सॉलिड सिलेंडर। बिल्कुल, याद करना बच्चे, याद करना। तो हमारे पास यहाँ पर एक, या हमारे पास आ गया दो, और हम बोलिए बोलो बोलो सर, पिछली स्लाइड करना, ये ले बच्चे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, बोल बेटा। नहीं नहीं बस वो देखना था मैंने, आई किसकी बिल, ये यहाँ पर ये एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर अगर बहुत सारी डिस्क एक के ऊपर एक लग जाए, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है? सॉलिड सिलेंडर। तो ये मेरे पास यहाँ पर, ये आपके पास एक्सेस ऑफ रोटेशन ये आ गया, और ये फिर हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है? सॉलिड सिलेंडर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही है, और ये लेंथ हमारे पास किसके बराबर है? एल के बराबर है। ये हमारे पास एल के बराबर है, और ये हमारे पास रेडियस किसके बराबर आ जाता है? ये आर के बराबर आ गया, और ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेम वही चीज है हमारे पास कि अगर सॉलिड सिलेंडर है और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोला जाए, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आपके पास किसके बराबर हो जाता है? दिस इज गिवन बाय एम आर स्क्वायर, तो सॉलिड डिवाइडेड बाय टू, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू, ये सॉलिड सिलेंडर। इसी तरीके से मेरे पास हॉलो स्फीयर आ जाता है, हॉलो स्फीयर जैसे फुटबॉल, हॉलो स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर का हमारे पास अगर टीचर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है, ये मेरे पास एक हॉलोस्फेयर, बिल्कुल हॉलोस्फेयर है, यह हमारे पास यहाँ पर हॉलोस्फेयर है, और इस हॉलोस्फेयर का टीचर मुझे क्या पूछता है? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। ये हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास कहाँ से पास हो रही है? या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इट इज पासिंग, या हमारे पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, या एक्सेस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, और ये इस तरीके से ये एक्सेस ऑफ रोटेशन। नाउ दिस इज द एक्सेस ऑफ द रोटेशन एंड इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो होलोस्फेयर है। अब मुझे बताना है कि यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, तो I इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर। अब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आते हैं, सर ये रिजल्ट कैसे आ रही है, ये नंबर कैसे आ रहे हैं? बिल्कुल इनकी डेरिवेशन है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। पॉइंट यही है कि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें बोला जाता है कि आप बच्चों को सिर्फ ये बताएं कि ऐसे इसके रिजल्ट्स हैं जो कि आपको याद रखना है। इसी तरीके से मेरे पास सॉलिड स्फीयर है, अब हॉलो स्फीयर अगर फुटबॉल है तो सॉलिड स्फीयर क्या हो गया बच्चे? हमारे पास एक क्रिकेट की लेदर की बॉल जो अंदर तक बच्चे हमारे पास क्या होती है? भरी हुई होती है, और हमारे पास यहाँ पर इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही, तो हमारे पास ये सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही। बच्चे ये हमारे पास ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, एंड वी हैव द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास।
the axis of rotation is passing through the center of the mass. The axis of rotation which is passing through the center of the mass. ये हमारे पास center of mass है. और mass m kg. अच्छा ये बताना मैं भूल गया कि इसका body का radius r. I'm sorry for that. ये बच्चे radius r है और हमारे पास ये center of mass में से axis of rotation pass हो रही है. तो इसका हमारे पास सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर हो जाएगा. इसका अब आपको याद रखना पड़ेगा. दिस इज इक्वल टू 2/5 ऑफ एम आर स्क्वायर. 2/5 ऑफ एम आर स्क्वायर. तो बताओ सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया या फिर हॉलो स्फीयर का ज्यादा हो गया. जी बताए. सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, हॉलो स्फीयर का 2/3 एम आर स्क्वायर. किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा और किसका कम है बताओ. हॉलो का ज्यादा. हॉलो का आपके पास ज्यादा है. ये 0.6 आ जाता है और ये 0.4. बिल्कुल सही. इसका मतलब हॉलो जो आपके पास स्फीयर होगा वो देर से घूमना स्टार्ट करेगा लेकिन वो काफी देर तक बच्चे हमारे पास घूमता रहेगा. और सॉलिड स्फीयर क्या है वो जल्दी रोटेट करना स्टार्ट करेगी. आप इसको करके भी देख सकते हो. एक जगह फुटबॉल और एक जगह आप जो है क्रिकेट की बॉल लीजिए या टेनिस की बॉल और क्रिकेट की बॉल ले लीजिए दोनों को घुमाइए. आपको अंदाजा हो जाएगा जो मैं आपको कह रहा हूँ वो सच है कि किसमें एफर्ट ज्यादा लगता है और किसमें एफर्ट कम लगता है. तो हॉलो स्फीयर के अंदर एफर्ट ज्यादा लगेगा रोटेट करवाने के लिए और सॉलिड स्फीयर के अंदर एफर्ट आपका कम लगेगा इन ऑर्डर टू रोटेट द बॉडी. तो भैया जितना कम एफर्ट लगेगा उतना कम एफर्ट इसको रोकने में भी लग जाएगा. वो जल्दी रुक जाएगी. इस पर हाथ रखोगे और जल्दी रुक जाएगी. और इसी तरीके से हॉलो स्फीयर के अंदर वो देर से रोटेट का आपको बड़ा ताकत लगेगी गोल घुमाने में. तो उतनी ही ताकत आपको लग जाएगी जब आप उस बॉडी की रोटेशन को रोकना चाहोगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ आपको यही बात बताती है. तो ये हमारे पास यहाँ पर कुछ कॉमन रिजल्ट थे. ये रिजल्ट्स अब आपको याद हो जाने चाहिए क्योंकि टीचर इन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछने की कोशिश करते हैं. फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है. शाबाश. सर एफर्ट किसका लगेगा ज्यादा. बेटा रोटेशन के लिए हमारा एफर्ट. हम एफर्ट लगाएंगे ना दोनों में से हॉलो और उसमें सॉलिड स्फीयर में से. हाँ बेटा. तो सॉलिड स्फीयर में से हॉलो स्फीयर में से एफर्ट किसका लगेगा जिसका आई ज्यादा होगा. जिसका आई ज्यादा होगा उसका. बेटा एक चीज है ना साइकिल और ट्रेन किसका इनर्शिया किसका ज्यादा है. ट्रेन का ज्यादा होगा इनर्शिया. ठीक है मैं तेरे को बोलता हूँ ट्रेन को धक्का मार के चलाना है और साइकिल को धक्का मार के चलाना है कौन जल्दी चलेगा. सर ट्रेन को धक्का नहीं मार सकते उसका इनर्शिया ज्यादा है. मान लो कि आप लगा सकते हो धक्का तो मतलब साइकिल का इजी होगा. साइकिल का इजी होगा तो क्यों इजी होगा तो तुम बोलोगे इनर्शिया कम. मेरी बात समझ लो. इनर्शिया कम है तो उसको धक्का मारना भी इजी होगा. और अगर मैं तुमको बोलता हूँ चलती हुई साइकिल को रोकना है और चलती हुई ट्रेन को रोकना है किसको इजी होगा रोकना. तो चलती हुई साइकिल को. बिल्कुल. तो वही तो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ. यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि इनर्शिया की जगह मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसको रोटेट करवाने में एफर्ट भी कम लगेगा और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास यहाँ पर ज्यादा है उसको रोटेट करवाने में एफर्ट भी क्या लगेगा बच्चे ज्यादा. दो मिनट वेट करेगा मैं इसकी बैटरी. दो मिनट बच्चा मैं बैटरी लगाता हूँ इसकी. दो मिनट रुकिए. चलिए अब समझ में आई बच्चे बात. आपको समझ में आ गई बच्चे बात. आपके बिजली के कट कितने लग रहे हैं. क्या हो गया कि कोयले की शॉर्टेज पूरे के पूरे वर्ल्ड में होगी और इंडिया मैक्सिमम कोयला बाहर एक्सपोर्ट कर
उसको ये परवाह नहीं है कि हमारे को जरूरत है इस बात की, तो अभी 9 घंटे के कट के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। सर रात को भी चल रही थी कभी कभी, कल गई थी ना संडे को। हाँ कल गई थी संडे नहीं ना, जून मंथ नहीं है वो, ठीक है सर भी इतनी गर्मी लगती नहीं है। हाँ जी सर बात तो है, बात अब जैसे मैंने अपना जो है आज मतलब कि एक एक जिस मतलब कि अभी आज मेरे कुछ और रिजल्ट्स आने जो मैं अभी मुझे अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि जो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तो अभी तक ठीक आ रहे हैं कि किसी में कोई कमी नहीं, हार्ट बीट फास्ट है या कुछ हो तो वो बोलते हैं कि सब नॉर्मल है, तो आज वो आने। अब जैसे फॉर एग्जांपल पठानकोट में डेंगू बहुत फैला हुआ है, तो मैंने आज डेंगू का अपना वो दे रखा है कि देखो बच्चे हमको अपना ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन पॉइंट ये है बच्चे कि यहाँ पर गर्मी है, डेंगू फैला हुआ है, तो बच्चे पंखा तो मिनिमम चलना चाहिए ना बच्चे। प्रॉब्लम हुई थी तो आपने उसी टाइम चेक करवाया था डेंगू का? नहीं बच्चे मैंने इसका कल दिया बच्चे सैंपल, पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन माय हार्ट, तो मुझे लगा था कि क्योंकि मेरे को अनयूजुअल सी स्वेटिंग हो रही थी और हार्ट पल्पीट कर रहा था बहुत ज्यादा, ऐसे पल्पीट कर रहा था, हार्ट रेट हो रहा था ना, हाँ बहुत ज्यादा पल्पीट, अनयूजुअल स्वेटिंग हो रही थी, डेफिनेट मुझे ऐसा लगा कि शायद से हार्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर मैंने बोला कि नहीं यार हार्ट की प्रॉब्लम ये वहां पर, उसने बोला भी ईसीजी करवाई, ईसीजी में थोड़ा सा आया थोड़ा सा, पर वो इग्नोरेबल था, चलो वो दवाई दुई ले ली हमने, लेकिन कोई और मतलब कि हेडेक बहुत बुरी तरीके से, मतलब कि जैसे मैं ना अभी मैं ऐसे बैठा हूं ना तो मैं बिल्कुल ऐसे करके आंखें, मुझे थोड़ी सी भी रोशनी पड़ती थी तो बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता था, और मैं बोल जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे सेंस है कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, तो मैं सेंसलेस था, मैं क्या बात कर रहा हूँ किसी कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर जो है कल फिर एक कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए दिया, तो वो यूरिक एसिड ब्लड प्रेशर जो भी होता है वो नॉर्मल आया, तो बंदा मैं बोला चलो ये तो कांटा निकल गया कि हार्ट की कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। यूरिक एसिड थोड़ा सा एक आया बड़ा, तो मैं बोला इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो चलता रहता है। अपॉइंट फिर कल फिर दिया, उसमें मैंने फिर टाइफाइड जॉन्डिस डेंगू वगैरह जितने टेस्ट हो सकते मैंने बोला भाई तू खून भर के ले जा सारे के। जगजोत कहता सर मैंने भी अपना सैंपल दिया हुआ, तो जगजोत आपने किस बात के लिए सैंपल दिया? मैंने भी सर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी तो सिंपल ही था मैंने। हाँ नहीं ठीक है बच्चे करवा लो, क्योंकि ये करवा लो चेक करना चाहिए जो प्रॉब्लम होने शुरू होती है ना। हाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाए, क्योंकि ये बात है बच्चे कि मुझे तो हुई तो मैं तो एकदम से फिर जब एक हम स्टेज बाय स्टेज चलते हैं ना कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे सीवियर हेडेक, स्वेटिंग हो रही है, हार्ट पल्पेट कर रहा अंदर। फिर मैंने कल जो है फिर ड्रिप लगवा लिया, ड्रिप से होता है कि कई बार पोटेशियम की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, उससे भी ऐसी चीजें हो जाती है, तो फिर 2 बोतलों से चलाया तो ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मैं रिकवर कर गया 2 बोतल्स के बाद, फिर मेरे को लगा कि यानी अब बॉडी के अंदर एनर्जी आ रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हुआ कल रात को, फिर थोड़ा सा हो गया था प्लस माइनस, लेकिन बाय लार्ज अब जो है वो प्रॉब्लम वाला फेज निकल गया। देखते हैं भगवान से दुआ है कि ये ऐसे हो जाएगा, कोई नहीं चलता है लाइफ है ना। चलो खैर अपना सब ध्यान रखिएगा भाई, क्योंकि डेंगू बहुत फैला हुआ है पठानकोट के अंदर मैक्सिमम। हाँ जी सर, जब मैंने टेस्ट कराया था अपना, तो जब मैं लाल पैड वो गया था लेबोरेटरी में, तो देखा सबको मतलब जैसे ड्रिप चढ़ी हुई है। नहीं भगवान बेटा अभी भी इसमें सुई मेरी बॉडी के अंदर है, ऐसा भगवान किसी दुश्मन को भी ना करवाए भाई, बहुत मुश्किल है। दशहरा ना सर इस फ्राइडे? हाँ जी बेटा इस फ्राइडे दशहरा ना सर 15 अक्टूबर? पता नहीं बच्चे अभी तो दशहरा तो अपना 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 हम ही आ रहे हुए, अभी तो दशहरा तो नहीं है, चलो इसको आगे ठीक हो जाओगे। तो इसका हमने एक टेबल बना लेना और घर पे बैठ के टेबल बना के ये यहाँ पर खत्म हो जाता है मोमेंट ऑफ फेलोशिप। फिर बच्चा हमारे पास अगेन 2 थ्योरम्स आती है, अब ये थ्योरम सिर्फ टीचर तुम्हें पूछेगा, नो फर्दर एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब कि आपने ये थ्योरम लिखनी है और टीचर ने ये थ्योरम आपको आपसे सुन लेनी है, या आपका लिखा हुआ देख लेना, अच्छा ये बच्चे ने ये थ्योरम लिखी हुई है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो थ्योरम ऑफ द आपके पास पैरेलल एक्सिस, ये अब 2 थ्योरम्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम ऑफ द पैरेलल एक्सिस, द थ्योरम ऑफ द पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमें क्या कहती है, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस,
if we have two parallel axes, अगर मेरे पास यहां पर दो parallel axes, if we have the two parallel axes, मेरे पास दो parallel axes है, in the rigid body, one passing from the center of mass, and the other is parallel to this axis, other parallel to this axis, then the moment of inertia, जो moment of inertia बच्चा हमारे पास of the other parallel axis is given by the sum of the moment of inertia of the axis passing from center of mass with the term mass multiplied by square of the perpendicular distance between the two axes. अब इसमें आप क्या गलतियां करोगे ये भी मैं बता दूंगा. टू एक्सिस, अब ये देखने में आपको बड़ी अजीब लग रही होगी, अरे सर ये क्या लिखवा रहे, क्यों लिखवा रहे, जबकि मैं बताता हूं कि देखिएगा इसको समझना बहुत आसान. मेरे पास यहां पर कोई एक रिजिड बॉडी जो रिंग हो गई, रॉड हो गई, सॉलिड स्फीयर हो गया, सॉलिड बच्चा हमारे पास यहाँ पर सिलेंडर हो गया, ये एक रिजिड बॉडी, हम जनरल सी बात करते. और इस रिजिड बॉडी के अंदर मेरे पास एक ऐसी एक्सिस है जो कि हमारे पास कहां से पास हो रही है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास. ये हमारे पास एक ऐसी एक्सिस है जो कि हमारे पास कहां से पास हो रही है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास. ये मेरे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, आईसीए. अभी थोड़ी देर पहले हम निकाल कर हटे थे, हम यहाँ पर सब क्या है ये बच्चे, आईसीएम, ये आईसीएम है, ये भी आईसीएम, ये भी हमारे पास आईसीएम, इसके पीछे जो रॉड निकाला था वो भी आईसीएम है, रिंग का भी बच्चे हमारे पास क्या, आईसीएम है. सभी के लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हमारे पास, आईसीएम है. और टीचर बोलता है कि एक और एक्सिस, जो एक्सिस हमारे पास यहाँ पर इस एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल और इनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ पर ले लेते हैं डी, मास ऑफ दिस बॉडी इज एम के जी, और ये मेरे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया. और मुझे अगर यहाँ पर आई निकालना है तो आई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बताओ, शाबाश, आई सी एम प्लस ऑफ एम इंटू डी का स्क्वायर. बस कितनी सी बात, बस इतनी सी बात आपके पास है, ये थ्योरम ऑफ दी पैरेलल एक्सिस. टीचर पूछेगा स्कूल के अंदर, बहुत कम चांसेस है, less than 1% चांसेस है कि टीचर इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे, ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि टीचर आपको स्कूल में ये करवाए भी ना, बोलेगा नहीं नहीं छोड़ो यार, कोई 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 खास बात नहीं है, आप छोड़िए इसको, इसको कोई कोई छोड़ दीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं. जनरली ऐसा ही मैंने सुना हुआ है कि समय बेटा किया सर, वो टीचर ने बोल दिया है सर बाबा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आप छोड़ दीजिए. तो आई इज इक्वल टू
आई सी एम प्लस ऑफ मेरे पास कितना आ जाएगा एम डी का स्क्वायर, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। पर इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। सपोज टीचर मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन देता, क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास फॉर अ रॉड। अगर मेरे पास मान लिया जाए बच्चे के एक रॉड, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द एंड पॉइंट ऑफ द रॉड, एट द एंड पॉइंट ऑफ द रॉड, एंड पॉइंट ऑफ द रॉड। आपने रॉड के एंड पॉइंट के ऊपर क्या निकाल देना बच्चे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देना। चलो निकाल कर देखते। सपोज के मेरे पास यहां पर एक रॉड है, सपोज कि मेरे पास यहां पर एक रॉड है और इस रॉड के एंड पॉइंट आपके पास ये रहे, ये हमारे पास इसके एंड पॉइंट रहे और हमारे पास ये एक एक्सेस आ गई, या हमारे पास यहाँ पर क्या आ गए बच्चे आपके पास एक एक्सेस आ गई। और टीचर बोलता है कि यहाँ नहीं, ये तो आपके पास ICM है। ICM कितने के बराबर है, एम एल स्क्वेयर अपॉन 12। ये हमारे पास आ गया एम एल स्क्वेयर अपॉन आपके पास क्या आ गया 12 आ जाएगा। और यहाँ पर अब टीचर मुझे बोल देता है क्या आपने इस बात को समझाने की कोशिश करनी, क्या अगर कोई एक्सेस एंड पॉइंट से निकल रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। अब टीचर बोलता है कि भाई ये आई की वैल्यू आपके पास कितने के बराबर होगी, ये आपके पास आई की वैल्यू कितने के बराबर होगी, कैसे करना है। यहां पर ये रॉड है जिसका मास है एम के जी और इस रॉड की टोटल लेंथ कितने के बराबर है आपके पास एल के बराबर, इस रॉड की टोटल लेंथ आपके पास एल के बराबर है तो इन दोनों एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने के बराबर आ जाएगा एल बाई टू। और जरूरी नहीं है कि एंड पॉइंट पर हो, कहीं पर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी जा सकता है, बस वो पैरेलल होनी चाहिए किसके ICM के, वो पैरेलल होनी चाहिए ICM के। टीचर आपको समझाएगा वो एल बाई फोर डिस्टेंस पे भी हो सकती है, एल बाई एट पे भी हो सकती है, एल बाई ट्वेल्व पे भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन रहेगी वो ICM के क्या बच्चे हमारे पास पैरेलल। ये थ्योरम हर किस्म की बॉडी पे लग जाती है, 1D 2D और 3D कैलकुलेट करते हैं। अब बताओ कि आई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, बताओ शाबाश, ICM प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा एम एल बाई टू का आपके पास होल स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू ICM। ICM कितने के बराबर है, एम एल स्क्वेयर बाई 12 प्लस ऑफ एम एल स्क्वेयर अपॉन 4। फटाफट अगर सॉल्व करते तो LCM कितना आ जाएगा 12 और आपके पास एम एल स्क्वेयर प्लस ऑफ 3 ML2। जल्दी से बता दो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर आ जाएगा, 4 ML2 by 12। तो जल्दी बता दो आई की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, ML2 upon 3। तो आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी आ गई, ML2 by 3। अब बताओ किसी भी रॉड को उसके सेंटर से रोटेट करवाना ज्यादा इजी है कि एंड पॉइंट से रोटेट करवाना ज्यादा इजी है, तो प्रैक्टिकल भी है, ये तो प्रैक्टिकल भी है कि एंड पॉइंट से उसको, ये देखो ये मैं एंड पॉइंट से रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मैं सेंटर से इसको रोटेट कर रहा हूँ, कहाँ ज्यादा इजी है, सेंटर से उसको रोटेट करवाना इजी है, क्यों, रीजन, क्योंकि वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। अब एक बार जब मैंने ये थ्योरम क्लास में करवा दी, चंडीगढ़ की बात बताता हूँ मैं, तो वहां पर बच्चा अगले दिन आया, सर आपने थ्योरम गलत करवा दी, एनी रिजल्ट मैच नहीं करते सर इससे, मैं घबरा, मैं बोला बेटा ऐसे कैसे हो गया, बेटा मैं तूने किया क्या, वो बोलता है सर जी पैरेलल एक्सेस थ्योरम के अंदर ICM से आई आ गया, चलो ठीक है सर किताब में मैच भी कर गया, किताब में भी लिख रखा, लेकिन जब मैं आई से ICM निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो आंसर मैच नहीं कर रहा। वो मैंने बोला पगले ये नहीं करना है। और उस दिन के बाद मैंने बच्चों को एक एक्स्ट्रा चीज बतानी शुरू कर दी, बच्चे आप किसी भी तरीके से बच्चे कोई भी दो पैरेलल एक्सेस नहीं ले सकते हो, बच्चे आपको वो दो पैरेलल एक्सेस लेनी है जिसमें से एक एक्सेस इसके अंदर किसमें से पास होनी चाहिए आपके पास, कहां से पास होनी चाहिए, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास।
यू कांट टेक एनी टू पैरेलल एक्सिस, कि आपने कोई भी दो पैरेलल एक्सिस लेनी बॉडी के अंदर और आप निकालना शुरू कर दे, नहीं बिल्कुल गलत बात है। इसमें से एक एक्सिस कहां से पास होनी चाहिए, यहां पर एक एक्सिस कहां से पास होनी चाहिए, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। तो बच्चे ये थ्योरम लगेगी, अदरवाइज ये थ्योरम बिल्कुल भी नहीं लगेगी। बल्कि कोई भी बच्चा बोलता है, अच्छा बच्चा गलती क्या करता है मैं बताता हूँ, बच्चा बोलता है अच्छा जी सर जी अब तो मेरे को समझ में आ गया, मैं बोला बेटा आगे समझ में आ गया सर आप बात ही क्या करते हो, मैं तो सर जी मैंने तो बन गया साइंटिस्ट। अच्छा बच्चा बोलता है सर ये ली मैंने एक रिजिड बॉडी और ये ली सर मैंने एक एक्सिस, ये मैंने दो एक्सिस, ठीक है पैरेलल है सर बिल्कुल पैरेलल है, इनके बीच का डिस्टेंस सर जी आर है, ये आई वन है और ये मेरे पास यहाँ पर आई टू है, सर जी चक दे फट्टे सर लगा दे कोई बात नहीं देखी जाएगी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर आप लगाना स्टार्ट कर देगा आई वन इज इक्वल टू आई टू प्लस ऑफ एम इंटू आर स्क्वायर, ये गलत फैक्ट, ये बिल्कुल गलत है। इसमें से एक एक्सिस जो है वो कहां से पास होनी चाहिए, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, वो हमको पहले पता होना चाहिए, नहीं तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाए, ये बात ध्यान रखना। जैसे मेरे पास ये डिस्क आ गई मान लिया जाए, ये देखिए बच्चे डिस्क है, अब डिस्क का मुझे यहां पर पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर है, सेंटर ऑफ मास में से जो पास हो रहा है वो मेरे को पता है एम आर स्क्वायर बाई टू। टीचर बोलता है इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इस एक्सिस पे, अब बताओ कैसे निकालोगे, शाबाश बता दो, बताओ कैसे निकालोगे आई, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है बच्चे, बोलो शाबाश, ये मेरे पास आर के बराबर है, रेडियस के बराबर। अच्छा आप में से अब कौन बच्चा बताएगा कि आई किसके बराबर आ जाएगा, बताओ एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर स्क्वायर। तो पॉइंट यही है कि आई शुड बी इक्वल टू आई सी एम प्लस ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी इंटू डी परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब जल्दी से बता दो कि I की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3/2 एम आर स्क्वायर। अब टीचर ने क्या बोलना है जी, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल दो, बताओ कैसे निकालोगे रेडियस ऑफ गायरेशन। टीचर देखो टीचर ने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आपका चेक करना है कि बेटा को रेडियस ऑफ गायरेशन आता है इस एक्सिस के लिए, तो बोलो बिल्कुल आता है इस एक्सिस के लिए, बोलेगा टीचर बोलेगा अच्छा बताओ, तो के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I अपॉन एम, शाबाश बता दो K की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ I, तो 3/2 एम आर स्क्वायर अपॉन एम, एम से एम कैंसल, तो बताओ K की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, R अंडर रूट ऑफ 3/2। तो ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, शाबाश बता दो, रेडियस ऑफ गायरेशन बन जाएगा। कोई बहुत बहुत मुश्किल चीज नहीं, बहुत आसान चीज है और बहुत ही आपके पास एक नॉर्मल सी चीज है कि आपको टीचर ने एक बॉडी दे दी और आपको किसी एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और वो जो एक्सिस है सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के एग्जैक्ट पैरेलल है और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी, 2 मिनट के अंदर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर वो डिस्टेंस दिया होगा आर क्वेश्चन में? नहीं देखो भाई अब ये कॉमन सेंस वाली बात है, अब ये कॉमन सेंस वाली बात है, अगर टीचर मुझे ये बोल देता है कि ये जो डिस्क है जिसका रेडियस आर है और जो एक्सिस है वो बिल्कुल उसके सर्कमफ्रेंस में से पास हो रही है ऐसे करके और सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल, तो ये मुझे समझना पड़ेगा कि भाई साहब दोनों के बीच का डिस्टेंस तो आर ही बनेगा, हाँ या ना, कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं है, आप सोच के देख। यस सर। हाँ तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसके ऐसा तो है ही नहीं है बच्चे, टीचर आपको कॉमन सेंस में सके आर ही तो बनेगा और क्या डिस्टेंस बनेगा। हाँ कई केसेस में हो सकता है कि टीचर आपको दे दे, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि टीचर आपको ये क्वेश्चन में दे कि नहीं नहीं आर भी, अगर एक बात सोच पा, अगर आर भी दे दिया ना तो फिर क्वेश्चन में रहा क्या यार, आया ना, सीधा सीधा प्लस करना था इसके अंदर से। और इसी तरीके से और क्या ये एक्सिस बॉडी के बाहर जा सकते हैं, बिल्कुल बॉडी के बाहर जा सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाती है विच इज द थ्योरम ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस।
जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस है, याद रखना, इट इज वैलिड ओनली फॉर टू डायमेंशनल बॉडी, वैलिड फॉर टू डायमेंशनल प्लेनर बॉडी, यानी थ्री डी बॉडी पे यह काम नहीं करेगी, वन डी बॉडी पे यह काम नहीं करेगी। अब वन डी मतलब रॉड के ऊपर ये थ्योरम नहीं लग सकती, 3D यानी कि सॉलिड आपके पास सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर आपके पास स्फीयर या फिर हॉलो स्फीयर, इनके ऊपर ये वाली थ्योरम नहीं लग सकती। लेकिन पैरेलल एक्सेस वाली थ्योरम हर किस्म की बॉडी पे लग सकती। लेकिन थ्योरम ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सेस इज वैलिड ओनली फॉर द टू डायमेंशनल और द प्लेनर बॉडी, इट इज वैलिड ओनली फॉर द टू डायमेंशनल एंड द प्लेनर बॉडी। प्लीज इस बात का ध्यान रखना, प्लीज इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने ये पॉइंट अपने दिमाग में रख लिया, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली कि ये भैया 2D है। बच्चा आपके पास कोई बंदा स्फीयर लेके आता है, हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, बोलता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लेके, तुम्हें बोला मैंने तेरा गला दबा देना है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई टीचर रॉड के ऊपर लेके आता है, तुम्हें बोला मैंने तेरे को जाल से मार देना है, ये ऐसा नहीं हो सकता। यह वैलिड है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, 2D या प्लेनर बॉडी। ये हमारे पास थ्योरम क्या कहते हैं, फॉर अ लेमिनार बॉडी, लेमिनार का मतलब हमारे पास क्या होता है, 2D बॉडी। फॉर अ लेमिनार बॉडी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू द बॉडी अबाउट एन एक्सेस विच इज परपेंडिकुलर टू द बॉडी is equal to the sum of other two mutually perpendicular axes passing from the plane of the body and all these axes are aapke paas are meeting at a point inside or outside of laminar body, inside or outside of the laminar body. अब यहां पर बच्चा फिर गलती करता है। बच्चा क्या गलती करता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। बच्चा क्या गलती करता है मैं यहां पर समझा दूंगा। पॉइंट नंबर वन ये बच्चे कि इसमें सेंटर ऑफ मास का कोई रोल नहीं। हालांकि हम जब क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई रोल नहीं है उसका। मतलब ये तीनों एक्सेस सेंटर ऑफ मास में से पास हो भी सकती हैं और बॉडी के बाहर भी बच्चे हमारे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये थ्योरम कहती है, ये थ्योरम हमको कहती है कि अगर मेरे पास एक 2D बॉडी, सपोज मेरे पास यहां पर एक 2D बॉडी है, टू डायमेंशनल बॉडी, ये मेरे पास एक टू डायमेंशनल बॉडी है और इस टू डायमेंशनल बॉडी में से हमारे पास एक ऐसी एक्सिस है जो कि बॉडी के परपेंडिकुलर और ये इस एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है, आई वाई के बराबर। और हमारे पास इस बॉडी में दो और एक्सिस है जो कि पास हो रही है, एक यहां से पास हो रही है और एक हमारे पास यहां से पास हो, और ये तीनों एक्सिस इस पॉइंट पर मीट कर रही है और हमारे पास यहां पर इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है और ये हमारे पास यहां पर आई जेड के बराबर, और ये तीनों बॉडीज यहां कहीं पर मीट कर रही हैं। ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब
ये थ्योरम हमको क्या कहती है, आई वाई इज इक्वल टू किसके बराबर है, आई एक्स प्लस ऑफ आई जेड, बस इतनी सी बात है। ये तीनों एक्सेस आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, बिल्कुल। ये हमारे पास जो आई वाई है ये दोनों एक्सेस के परपेंडिकुलर है, और ये दोनों एक्सेस जो बॉडी के प्लेन में लाई कर रही है ये भी आपस में परपेंडिकुलर है। और ये बॉडी की टाइप कौन सी है, 1D, 2D या 3D? तो आंसर है ये हमारे पास कौन सी है बच्चे, 2D की बॉडी। ये हमारे पास यहाँ पर कौन सी बॉडी है, आपके पास ये 2-dimensional बॉडी, ये मेरे पास यहाँ पर 2-dimensional बॉडी बनी। तो आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस ऑफ, मेरे पास क्या आ गया, आई जेड। अब बच्चा गलती क्या करता है, मिस्टेक, बच्चे को लगता है कि अच्छा परपेंडिकुलर एक्सिस मिल गई, लै भाई क्या बात बन गई। बच्चा बोलता है कि आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस ऑफ आई जेड भी होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चा बोलता है कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस ऑफ आई वाई होना चाहिए, ये भी गलत है। आप किसी भी दो एक्सेस को आपस में ऐड नहीं कर सकते, आपको उन दो एक्सेस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना है जो बॉडी के प्लेन में लाई कर, जो बॉडी के प्लेन के अंदर बच्चे हमारे पास लाई कर। फॉर एग्जांपल बच्चे, जैसे मेरे पास यहाँ पर ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप का प्लेन है बच्चे हमारे पास, ये प्लेन है लैपटॉप का ना, ये लैपटॉप का प्लेन है हमारे पास, और ये एक्सेस हमारे पास ये इसमें से पास हो रही है, इसमें से पास हो रही है, ये इन दोनों का जो सम होगा, जो बॉडी के प्लेन में लाई कर रही है, इन दोनों का जो सम होगा, जो आपस में परपेंडिकुलर एक्सिस है, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, तीसरी इस एक्सिस के बराबर, जो बॉडी के परपेंडिकुलर। इसलिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को समझना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। बच्चे को लगता है कि यार आप कोई भी दो एक्सिस को आपस में ऐड करो तीसरी के बराबर होना, अरे ऐसा नहीं होता भाई, थ्योरम को समझना पड़ता है। तो आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस ऑफ आपके पास क्या आ जाता है, आई जेड, यानी कि हमारे पास उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के को आप निकालना चाह रहे हो जो बॉडी के परपेंडिकुलर है, और ये किसके बराबर होगा, उन दो एक्सिस के जो आपस में परपेंडिकुलर है, बॉडी में से वो पास हो रही है, बॉडी के प्लेन में से पास हो रही है, बॉडी के प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है, हमारे पास बॉडी के प्लेन के अंदर ये एग्जिस्ट कर रही है और आपस में परपेंडिकुलर है, और ये तीनों एक्सेस हमारे पास किसी ना किसी एक पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, एग्जिस्ट। ये बॉडी के परपेंडिकुलर है, ये बॉडी के प्लेन के अंदर है, और इसी तरीके से हमारे पास ये भी बॉडी के प्लेन के अंदर, और हमारे पास इन दोनों का सम किसके बराबर है, ये तीसरे के बराबर, हमारे पास इन दोनों का सम किसके बराबर है, तीसरा, जो बॉडी के परपेंडिकुलर। समझ में आई बात बच्चे? Yes, sir. अब हमारे पास यहाँ पर इसका एक एग्जांपल करते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक मतलब फिनिश हो जाता है। बस अब हम यहाँ पर इसके एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। अब 2D बॉडी कितनी है, दो ही तो है यार, कौन कौन सी है, रिंग और डिस्क है, इसके अलावा तीसरी कौन सी है? तो मान लिया जाए कि टीचर मुझे यहाँ पर एक रिंग दे देते हैं, है ना, बड़ा आसान है, दो ही तो बॉडीज है, बाकी सब 1D है या फिर आपके पास 3D है। ये रिंग है और ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr स्क्वायर। अब दो एक्सिस इस के प्लेन में से पास हो रही, ये मेरे पास आई एक्स आ गया और ये मेरे पास यहाँ पर आई जेड आ गया। नाउ टीचर बोलता है आप आई एक्स और आई जेड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने की कोशिश करो। तो हमारे पास यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखिए कैसे है, मेरे पास एम आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आई एक्स प्लस ऑफ आई जेड। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एम आर स्क्वायर रिंग के परपेंडिकुलर है और आई एक्स और आई जेड रिंग के प्लेन में लाई कर। नाउ ड्यू टू दिस सिमेट्री रिंग एक सिमेट्रिकल बॉडी है, ड्यू टू दिस सिमेट्री, क्योंकि रिंग हमारे पास यहाँ पर एक सिमेट्रिकल बॉडी है, ड्यू टू दिस सिमेट्री रिंग हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चे का सिमेट्रिकल बॉडी, ड्यू टू दिस सिमेट्री हमारे पास आई एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आई जेड इज इक्वल टू मेरे पास आई, क्योंकि अगर मैं इस रिंग को घुमा दू
तो जो आई एक्स और आई जेड है वो मतलब कि जो मास पहले आई एक्स पे था वो आई जेड पे आ जाएगा, तो फर्क क्या पड़ेगा? आपको लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो सारी चीजें सिमेट्रिकल है। रिंग के अंदर जितना मास लेफ्ट पे है उतना राइट पे है, जितना आगे उतना पीछे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम हो जाएगा, तो इसलिए इन दोनों को सेम मान लेते हैं। और इस वजह से मेरे पास एम आर स्क्वेयर, और ये देखना अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा, और आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, टू आई आ जाएगा, तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर अपॉन, ये हमारे पास यहाँ पर इसका रिजल्ट है। अब तुम्हारे पास बच्चे जिसको मेरा कड़ा पता नहीं कहाँ गायब हो गया, क्योंकि मैंने वो जब से ये थोड़ा सा मेरे कड़ा देखा बच्चे आपने कड़ा जगह कड़ा आप कड़े को लीजिए, उसको उंगली के बीच में रखे ऐसे गोल घुमाइए, नहीं नहीं घूमेगा, कभी नहीं घूमता। उस कड़े को आप सीधा वर्टिकल रख के गोल घुमाइए, वो तेजी से घूमता है, आया ना? ये बच्चे रीजन, क्योंकि जब आप कड़े को वर्टिकल रखकर गोल घुमाते हो, जब आप कड़े को वर्टिकल रख के गोल घुमाते हो तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी के प्लेन में से गुजरती है, और उसको रोटेट करवाना क्या हो जाता है, इजी, और वो बड़ी तेजी से घूमता है। और हमारे पास जब आप उसको बीच में से एक्सिस ऑफ मतलब कि ये कड़ा रख दिया उसके बीच में से एक्सिस ऑफ रोटेशन घुमाओ, अरे यार घूमता ही नहीं है, घूमता ही नहीं है, आप घुमाते हो वो फटाफट रुक जाता है, एक रोटेशन भी नहीं लेता वो, तो रीजन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये बच्चे हमारे पास आज की कार्रवाई थी, ठीक है? तो इसको बच्चे अब हम यहाँ पर मतलब कि जिसको बोल सकते हैं कि इसको आप रिपीट कर लीजिएगा एक बारी, ये स्कूल लेवल के ऊपर टीचर इसमें से क्वेश्चन बहुत कम डालता है, लेकिन बेटा हमने देखो हमने डेरिवेशन की जरूरत नहीं थी, हमने नहीं की, लेकिन ये याद होनी चाहिए कम से कम, ठीक है? चलिए फिर मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी दे दूंगा और बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है? अपना ध्यान रखना, ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर।